नमस्कार, जीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम का दौरा जारी। दक्षिणी 24 परगना के अमताला में केंद्रीय टीम ने पीड़ितों से की मुलाकात। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई आशंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात। 24 साल बाद पुतिन की हो रही है ये यात्रा। भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा लगातार भरोसा। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर किया 7.2%। और खेल की खबरों में, आईसीसी T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से दी करारी शिकस्त। जीत के साथ ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में किया प्रवेश। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से जानेंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे पहले खबर की अपडेट आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बनने के बाद अपने कार्यकाल की शुरुआत संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ वो कर रहे हैं। वहां वो पहुंचेंगे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये खबरों को विस्तार से जानते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है।
है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद करेंगे, उनके द्वारा उगाए गए उत्पादों को देखने के स्टॉल पर भी वो जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के बाद शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात 8 बजे वह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इसके तहत वाराणसी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता हरिकेश ने विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आए विद्यार्थियों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी सुगमता से सरलता से दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ पैरामेडिकल के छात्र हैं, छात्राएं हैं जो तेलंगाना से आए हैं। आपका क्या नाम है और कैसा रहा आपका दर्शन? एक बात और कि आप सुबह दर्शन कर रहे हैं, शाम को प्रधानमंत्री भी दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री आने वाले दिन पे हमको भी दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। दर्शन भी बढ़िया हो गया हमारा, बहुत धन्यवाद। ये मंदिर का प्रांगण आपको कैसा लग रहा है? देखने में तो पसंद आ रहे हैं आंखों के भी, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपका कैसा दर्शन रहा और प्रधानमंत्री भी शाम को आएंगे दर्शन? अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया सब भी। आपको कैसा रहा, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, उसी दिन वो भी आ रहे। और आप सभी को बता दें कि 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर आयुष मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आइए सीधा रुख करते हैं। खुद नए नए इम्प्लीमेंटेशन ये होते हैं, तो योग फॉर अचीवमेंट ऑफ एसडीजी, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर पीस, योग फॉर हार्ट, योग फॉर होम, योगा एट होम, योग विद फैमिली, ये हमने खास करके कोविड के समय घर में रहकर योग करो ऐसा एक थीम था। योग फॉर वेलनेस, योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि पिछले वर्ष अपना G20 का जो हमारा जो सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम था, उसके साथ एलाइन किया गया था। इस वर्ष का जो योग का थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों में जो अचीवमेंट्स हुए, इनिशिएटिव्स लिए गए, वो काफ़ी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जैसे 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए 2015 में, और वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था मैक्सिमम फुटफॉल्स एंड मैक्सिमम नेशनैलिटीज़, वो उसके बाद कई बार टूटा। योगा एम्बेसडर्स का हमने एक पूरा टूर किया था केरल टूरिज्म के साथ मिलकर के, एक माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन किया था 2020 में, उसमें 130 कंट्री से 44,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी। भुवन योग एप्लीकेशन जो इसरो के साथ मिलकर के हम एक प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसरो ने मदद करी इस एप्लीकेशन के लिए कि जहाँ जहाँ वो पब्लिक फंक्शंस होता है उसका भुवन ऐप के माध्यम से, सेटेलाइट के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम लोग, और ये बहुत इफेक्टिवली वैज्ञानिक रूप से इसका एक हम प्रतिपादन करते हैं भुवन योग ऐप के माध्यम से। एक वाइब्रेक इनिशिएटिव जो है, जैसे हम ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है ऐसे लोगों के लिए, या जो योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तो वाइब्रेक एप्लीकेशन iOS पर भी है और गूगल प्लेटफॉर्म पर भी है, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ऑफिस में बैठे बैठे या खड़े होकर के 5 मिनट का योग कर सकते हैं, इसको हम वाइब्रेक कहते हैं। उसका भी बहुत सारा प्रसारण हुआ है, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में इसको रोज होता है, और भारत सरकार का जो आई गोट प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसको साइन अप मिलता है ऐसा कोर्स है ये, जो भारत सरकार के सभी कर्मी इसको कर रहे हैं। ऐसे लॉन्च ऑफ वाइब्रेक नमस्ते योग, WHO एम योगा पोर्टल्स, WHO के लिए हमने एक एम योगा, मतलब योग जो है वो स्वयं के लिए डायबिटीज़ के लिए खास करके WHO के मेंबर कंट्रीज़ के लिए भारत सरकार ने बना के दिया है, और WHO ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डिसेमिनेट किया है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडर्स एंड जो योग करना चाहते हैं उनके बीच का नेटवर्क है, कि जैसे मैं योग
योगाचार्य हूँ और मैं उसमें मेरी जानकारी रखता हूँ, तो जिनको योग करना है वो उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल मैप के साथ हमने कोलेबोरेट किया है, तो आप अपने घर से कहाँ पास का योग का संस्थान है, योग का प्रोवाइडर, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी बहुत वाइडली यूज हो रही है और पिछले 4 वर्षों से हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। देन स्टार्टअप योग चैलेंज 2022 में हुई, फिजिकल ऑब्जर्वेंस जो 2022 में जो कोविड के बाद पहली बार हुआ, तो 75 वर्ष आज़ादी के थे, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 आइकॉनिक साइट्स पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने इसको 75 जगह पर किया। ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ, प्रत्येक स्थान पर साधारणतया 30 से 35 हज़ार लोग उसमें आए। ऐसे 100 डेज काउंटडाउन हम काफ़ी वर्षों से करते हैं, इस वर्ष भी किया हमने, 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन, और प्रत्येक दिन एक संस्था उसको स्पॉन्सर करती है और अपने अपने स्थान पर करती है। एक मैसिव प्रोग्राम्स माई जीओवी, सेमका, डीडी, कॉमन सर्विस सेंटर्स, माई भारत प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ग्लोबल योग रिंग एक पिछले वर्ष किया था हमने 2022 में, तो 24 घंटे तक जहां सूर्योदय पूर्व में हुआ वहां से प्रारंभ हुआ और फिर सूर्यास्त पश्चिम में हुआ, तो 18 घंटे तक इसको लाइव कवरेज किया गया और प्रत्येक देश में भारत के अपने एम्बेसीज, वहां के स्थानीय योग संस्थान, सरकारें मिलकर के 80 देशों ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसको हमने वन सन वन अर्थ कैंपेन नाम भी दिया। ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर प्रत्येक वर्ष होता है, जैसे उदाहरण के रूप में ओपेरा हाउस हाउस ऑस्ट्रेलिया में एफिल टावर है, या माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, ऐसे दुनिया भर के जो आइकॉनिक लोकेशंस है वहां पर योग का प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम हो रहा है। देन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष नॉर्थ लॉन ऑफ यूएस हेडक्वार्टर्स में भी इसको किया, 135 से ज़्यादा देशों ने उसको पार्टिसिपेट किया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ऐसे पिछले वर्ष जबलपुर में मेन इवेंट हुआ और जैसे मैंने बताया कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसको लीड किया। नेक्स्ट, एक ओशन रिंग 2023 में हमने किया, तो जो 19 शिप्स के माध्यम से और 34 जितने पोर्ट्स के माध्यम से देश विश्व भर में एक ओशन के अंदर एक रिंग के रूप में योग का कार्यक्रम किया गया। ऐसे ही हर आंगन योग, उसको भी लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया, आंगनवाड़ीज, पंचायत, अपने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्कूल्स, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया। एक योग सागरमाला, योग भारतमाला प्रोग्राम भी किया, जो वर्ल्ड ओवर भारत के आसपास के जो पोर्ट्स है या सागरमाला जो पूरा अपने जो कॉन्टिनेंट के आसपास के पोर्ट्स है उस पर भी एक कार्यक्रम हुआ। और पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो 23 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका एक बहुत इंप्रेसिव स्नैपशॉट है कि प्रारंभ में हम इसको डॉक्यूमेंटेशन खाली प्रमुख कार्यक्रम करते थे 2015-16-17 में, तो 36,000 से लेकर के 51,000 तक 17 में गए। उसके बाद हमने टोटल डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि विश्व भर में कहाँ कहाँ जो कार्यक्रम होता है, तो 2018 में लगभग 9.5 करोड़ से लेकर के 2023 में लगभग 23.4 करोड़ जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया विश्व भर में। इस वर्ष का जो प्रस्ताव है, इस वर्ष में हम अभी माई जीओवी पोर्टल, माई भारत पोर्टल के माध्यम से माई फैमिली, योग विद फैमिली वीडियो कॉन्टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसमें फैमिली को हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ योग करिए, उसका वीडियो 1-2 मिनट का अपलोड करिए और उसको हमें कॉम्पिटिशन के रूप में भारत के अंदर और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स के लिए सेपरेट कैटेगरी में हम इसको कर रहे हैं। और अभी हमारे पास अभी तक का जो जानकारी है ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, वो बहुत सारे देशों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया है, बहुत मैसिव पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, लोग बहुत उत्सुकता से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक योग टेक चैलेंज हमने लॉन्च किया है जो स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो इनोवेटर्स है, स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, जिन्होंने योग के प्रोडक्ट्स जैसे डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर या एक्सेसरीज रिलेटेड टू योग, ऐसी 3 कैटेगरी में उन्होंने कुछ भी अपना कुछ इनोवेशन किया है, तो उनको एक प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनका आगे बढ़ाने का एक उपक्रम है। ऐसे योग फॉर स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के इसरो के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं, तो अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वर्चुअल जो स्पेस के अंदर योग कर रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। आज अभी इसी समय योग फॉर स्पेस का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें स्पेस के अंदर योग को हम कैसे टेक्नोलॉजी के रूप में लेके जा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को हम कैसे योग के माध्यम से मदद कर सकते हैं उस पर मंथन हो रहा है।
ऐसे गगनयान प्रोजेक्ट की टीम है उसको पार्टिसिपेट कर रही इस वर्ष। एक योगासन सुपर लीग, आपको जानकारी होगी कि पिछले वर्षों में 2019 में अपने भारत सरकार के जो अपना जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने योगासन को एक सेपरेट स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी, नॉट योग, योगासन। और उसके ऊपर अभी खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी गेम में योगासन बहुत प्रमुख रूप से आ गया है। और योगासन भारत करके एक संस्था है वो जो भारत में योगासन के लिए ऑथोराइज संस्था है जो जो इसको आगे बढ़ाती है। वो विश्व भर में योगासन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो बहुत सारे देशों में इसके योगासन के कार्यक्रम हुए हैं। इसमें उसमें गोल ये है कि जो भारत में हमने ओलंपिक के लिए हमने 2034 में हमने कहा है कि 2036 में भारत में ये ओलंपिक्स आना चाहिए, तो तब तक हम योगासन को ओलंपिक्स में लेके आना चाह रहे हैं। तो उसको योगासन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बाकी लीग होती है, कबड्डी लीग है या आईपीएल है, उस स्तर पर योगासन की भी एक सुपर लीग को इस वर्ष योगासन भारत के साथ मिलकर के हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और इसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर योग, ये 2024 का उसके नॉमिनेशंस माई जीओवी पोर्टल पर, माई भारत पोर्टल पर हमने आमंत्रित किए। चार कैटेगरी है, भारतवर्ष में इंडिविजुअल, भारतवर्ष की योग की संस्थाएं, ग्लोबल योग के इंडिविजुअल, ग्लोबल योग की संस्थाएं। तो ये सब चारों कैटेगरी में हमने नॉमिनेशंस मांग रहे हैं। हमारी एम्बेसीज भी उसमें ऑनबोर्डेड है, हम ICCR के माध्यम से हमने दुनिया भर से नॉमिनेशंस मंगाए हैं। ऐसे अभी आज इसी कार्यक्रम में दो सुंदर इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं। एक तो प्रोफेसर आयुष्मान करके एक कैरेक्टर हमने बनाया है, जो पिछले वर्षों में उसके कई एडिशंस आए। खुद स्वस्थ कैसे रहें, जड़ी बूटियों का उपयोग कैसे करें, स्वस्थ आदतें अपने लिए कैसे उसको हम लेके आए, तो इसका कॉमिक बुक हमने कई सीरीज पहले भी करी है और ये बच्चों में कुछ खूब प्रचलित हुई है। तो प्रोफेसर आयुष्मान फॉर योग, इसका आज हमारे माननीय मंत्री जी इसका इसी कंटेनरेजर कार्यक्रम में, योग दिवस के कंटेनरेजर कार्यक्रम में इसकी उसका लोकार्पण करेंगे। एक दूसरा इनिशिएटिव है वो है कॉमन योग प्रोटोकॉल इन ब्रेल। तो हमारे जो दृष्टिहीन हमारे जो साथी है उनको, उनके लिए भी वो योग कर सके, उसके लिए ब्रेल में इसका एक पब्लिकेशन भारत सरकार के मोरारजी देसाई नेशनल ट्रूप योग ने तैयार किया है, उसका भी हमारे मंत्री जी अभी लोकार्पण करेंगे। ऐसे ही हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री बॉडीज है, अलग अलग योग संस्थाएं हैं, इंडियन योग एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर के हम इसको बड़े स्तर पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं। एक योग क्विज, योग जिंगल्स, योग प्लेज, ये भी हमने माई जीओवी पोर्टल पर और माई भारत पोर्टल पर लॉन्च किया है। ये सभी इनिशिएटिव्स है वो भारत सरकार का जो योग का पोर्टल है आयुष मंत्रालय का, उस पर भी उपलब्ध है। जैसे योग प्लेज है तो एनीबडी कैन गो देयर एंड साइन अप। ऐसे योग की जो कार्यक्रम है उसको भी अपलोड करने का उसमें मैकेनिज्म है कि आप छोटा सा भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, उसके फोटोज, उसकी डिटेल्स अपलोड करके ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। मेन इवेंट जो श्रीनगर में उसका उसमें छोटा सा एग्जीबिशन भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स हैं, नए नए जड़ी बूटियों के अंदर काम करने वाले कश्मीर के लोग हैं, उनको भी हम लेके आ रहे हैं और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के इसको कर रहे हैं। एक कॉमन सर्विस सेंटर है जो देश भर में सब जगह पर, उसमें से 125,000 CSC के माध्यम से भी योग के कार्यक्रम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस एट डिफरेंट प्लेसेस, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, सभी यूनिवर्सिटीज, सभी स्कूल्स, सभी आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी संस्थाएं, मतलब ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से देश भर में हजारों कार्यक्रम इसके होंगे और ग्लोबली भी ऐसे इसी तरीके से ग्लोबली भी होंगे। इसमें सभी ग्राम प्रधान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है योग दिवस के लिए कि योग दिवस को आप बहुत प्रमुखता से इसको आपके क्षेत्र में इसको आयोजित करिए। ऐसे ही स्टेट यूटी गवर्नमेंट, नेशनल आयुष मिशन, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय का, उसके माध्यम से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स अनाउंसमेंट्स में, बोर्डिंग पास के अंदर, IRCTC के पोर्टल के ऊपर, रेलवेज में, इन फ्लाइट इन ट्रेन इन्फॉर्मेटिव अनाउंसमेंट में, वंदे भारत में, ये सब जगह पर इसका हम एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुँच सके। काउंटडाउन एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया इस वर्ष 100 दिन 100 सिटी 100 संस्थाएं, उसमें हमने जो 100 डेज का जो हुआ विज्ञान भवन में हुआ, उसके बाद 75 दिन का पुणे में हुआ, 50 दिन का सूरत में हुआ और 25 दिन का जो काउंटडाउन हुआ वो बोधगया हुआ, तो चारों दिशा में हुआ।
और प्रत्येक दिन एक एक संस्था के साथ मिलकर के देश भर भी टायर टू सिटीज में भी ये कार्यक्रम हुए और आज इसका हम कंटेंट रेजर कर रहे हैं। ऐसे सभी भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने स्तर से योग के कार्यक्रम कर रहे हैं और UGC, MEA, ICCR और ऑटोमोटिव बॉडीज, आयुष के सभी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट सब लोग इसमें ऑनबोर्डेड है। सबसे हमारी बात हुई है और सब लोग बड़े स्तर पर इसको कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद और आपने शांति से सुना, इसके लिए पुनः एक बार आपका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद सुनील सेठी साहब। हम ये दोनों पब्लिकेशन का लोकार्पण करें। सर आपसे अनुरोध। आज हम यहां पर 21 जून 2024 को जो योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में जो यहां पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे बाजू में बैठे हुए हमारे आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश जी कोटेचा, उनके बाजू में बैठे प्रोफेसर डीजी पीआईबी, मेरे बाजू में बैठी डीडीजी आयुष, श्री मीडिया एडवाइजर आयुष के सभी हमारे एक्सपर्ट पर बैठे हुए सभी अधिकारीगण और मीडिया के मेरे सभी बंधु और एवं सब सम्मानित पत्रकार, आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा के 10वें पड़ाव के वैश्विक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जुड़ी दो विशेष लॉन्चिंग भी की। पहले प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा जो है ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अब इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक
लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभा में की गई अपील के बाद 11 दिसंबर 2014 को सर्वसम्मति से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रण लिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक महत्वपूर्ण राजनयिक विजय थी। इस प्रयास ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कल्याण व्यवस्था के रूप में पहचान भी दिलाई। मित्रों, आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्य से पहले ही परिचित हैं, पर मैं एक बार फिर से संक्षेप में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में कुछ स्वस्थ मन, स्वस्थ चेतना और स्वस्थ शरीर से जुड़े विशेष पहलू शामिल है, जिसे योग का प्रसार करना, ध्यान का विकास करना, स्वास्थ्य लाभ करना, तनाव प्रबंधन करना, प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना एवं सामुदायिक संबंध स्थापित करना आदि है। हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी को स्वास्थ्य परंपरा के इस प्राचीन अभ्यास से परिचित कराया जाए। इस पद्धति का उपयोग कर युवा, प्रौढ़ व वृद्ध सभी अपनी शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव को कम करने के साथ भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जाति, धर्म, भाषा और देशों की सीमा से आगे निकलकर संपूर्ण विश्व को एक स्वास्थ्य सुरक्षा और लाभ के एक सामुदायिक प्रयास से एक धागे में बनना है। योग को सरलता और उसके दीर्घकालीन लाभों के बारे में पूरे विश्व को अच्छी तरह से सूचित करना हम भारतवासियों का कर्तव्य है। विश्व भर में योग के व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना ही हमारा वैश्विक उद्देश्य है। मित्रों, वर्ष 2015 में प्रति वर्ष यह दिवस अलग अलग स्थानों में अलग अलग थीम व विशाल जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में राजपथ से शुरू हुआ यह सफर शांति और सद्भाव के लिए योग थीम के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 35,985 लोगों की भागीदारी रही और 84 राष्ट्र शामिल हुए। इसके बाद चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची दो वर्ष वर्चुअल मोड में भी, और फिर मैसूर, और पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यह वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये मानता हूँ कि आपके संज्ञान में यह लाना आवश्यक है कि पिछले 10 वर्ष में हमने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में राजपथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग का अभ्यास करते हुए कुल 35,985 भारतीयों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा कुल 84 देश के प्रतिभागियों ने एक ही स्थान पर योग सत्र में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2023 में विश्व भर में कुल लगभग 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी विशाल सहभागिता दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सोशल मीडिया पर अपने संदेश के माध्यम से सभी लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
उन्होंने योग के विभिन्न लाभों खासकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए योग द्वारा शांति और साहस प्रदान करने की क्षमता पर जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मुद्राओं और उसके लाभों को प्रदर्शित करते हुए एक विस्तृत योग वीडियो जारी किया है, जिससे कि राष्ट्रों को एक इस विशेष दिन के लिए प्रेरित किया जा सके। अपनी परंपरा के अनुसार आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2024 का भी आयोजन कर रहा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार योग के अभ्यास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और इसके विस्तार में असाधारण प्रयासों को वैश्विक मान्यता देता है। दो पुरस्कार भारतीय संगठनों को दिए जाएंगे, जबकि दो पुरस्कार भारतीय या विदेशी मूल वाले संस्थानों को भी दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माई गवर्नमेंट एवं माई भारत पोर्टल पर 30 जून 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा इस वर्ष योग विद फैमिली वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वयं और समाज के लिए योग के महत्व को उजागर करना है। इस प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। दुनिया भर के प्रतियोगी भारत सरकार के माई गवर्नमेंट एवं माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय द्वारा योग के क्षेत्र में तकनीकी और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के माई गवर्नमेंट एवं माई भारत पोर्टल पर योग टेक चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन ऐसे स्टार्टअप या व्यक्तियों की पहचान कराना और बढ़ावा देना है जिन्होंने योग से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण उत्पाद विकसित किए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु से भी आग्रह करूँगा कि उपर्युक्त वर्णित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं आदि के बारे में हमारा संदेश जनमानस तक पहुँचाने में हमें सहभागिता दें। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक योग फॉर स्पेस नामक एक अनूठी पहल का भी आयोजन कर रहा है। इससे कि सभी वैज्ञानिक और अधिकारी एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। गगनयान परियोजना की टीम भी इस मौके पर योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में अपना साथ देंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 क्विज का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसके सफल समापन पर आप सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम आगे ले जाते हुए आपके प्रश्नों का आमंत्रित करती हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जब अपने क्वेश्चन पूछें तब पहले अपना नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें, उसके बाद एक एक करके हम सर हम यहां से शुरू करते हैं। नंबर 277। मंत्री जी, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ। मेरी एक न्यूज़ एजेंसी हमारी नज़र news.com और एक न्यूज़पेपर है संवाद सिंधी। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई वर्षों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि योग को स्कूल कॉलेज में कंपलसरी विषय बनाया जाएगा।
आप सभी को बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आयुष मंत्रालय इसी को लेकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहा था। यहां आयुष सचिव राजेश कोटेचा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें बताया गया कि इस साल की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। साथ ही बताया गया कि इस साल जो है मुख्य कार्यक्रम होने वाला है श्रीनगर में योग कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। शेरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि गगनयान प्रोजेक्ट की जो टीम है वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। साथ ही इस साल जो योग के लिए एक वीडियो भी बनाने के लिए प्रेरित किया गया है MyGov पोर्टल के द्वारा, जहां अपने परिवार के साथ योग करते हुए आप 2 मिनट का वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं और कई वीडियो इसमें अपलोड भी किए गए हैं। तो ये कार्यक्रम कई जगहों पर आयोजित किया जाना है। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा कार्यक्रम होगा एक्सप्रेस 100। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जिन्होंने